तुम्हारी लायकात क्या है, वो भी एक असंभव बात तो सच है कि नहीं, लायकात तो कछु ही नहीं है। लायकात कछु नहीं है या का मतलब या बात को करनी वा बखत जरूरी है। तो क्या है कि आदमी डर जाए करके काउंटर क्वेश्चन नहीं करे, बाकी काउंटर क्वेश्चन करे भाई मेरी लायकात नहीं है, तुम्हारी लायकात है, तुम्हारी क्या लायकात कहते कि तुम मेरे को टोक रहे हो, तुम्हारी भी तो कोई लायकात नहीं है। और यदि तुम्हारी कोई लायकात है टोकने की तो मेरी करने की भी लायकात हो सके। आदमी क्या है कि रोड पे मारा मारी हो ना, वहां पे जाको पंजा पहले उठ जाए, दूसरा आदमी बेचारा मार खा जाए, तो पहले हाथ कौन को उठे हो, बस सिद्धांत इतना ही है, जाको पहले हाथ उठ गए हो वो दूसरो वालों दब जाए भाई आपको हाथ पहले उठ गयो। वो मैं हाथ उठे ना तो हाथ भी पकड़ के मोड़ देना चाहिए, सामने मारने की भी जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप ठिकाने पड़ जाए बात पर। अपन क्या है कि वो हाथ उठे तब हाथ उठने दें और थप्पड़ खाने के बाद फिर अपना मॉरल डिग जाए कि पड़ गई थप्पड़ तो अब तो क्या करना, वाकई बात फिर अपन पराजित हो जाए। तो ये बात रोड के मारामारी की भी है और भक्ति मार्ग पर जो या तरीके की मारामारी चल रही है वहां में भी यही बात उतनी ही सच्ची है कि अपन भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और दो चार आके अपने को कह दें क्या तुम चल रहे हो, तुमको क्या पता भक्ति को क्या होश है तुमको, हाँ होश तो सचमुच में ही नहीं है अपने को, अपन हार जाएंगे भाई क्या पता, या मैं तो क्या पता चल। तो यह बात को समझना चाहिए कि असंभावना और विपरीत भावना कहाँ साधक हुए है और असंभावना और विपरीत भावना कहाँ बाधक हो जाए। बात क्लियर समझ में आई ना, ये बात मैंने आपको कल पर्यावरण के तहत बताई, असंभावना विपरीत भावना के तरह नहीं बताई, पर वहां में छिपी भाई बात यही हती कि ऐसी तरह की पर्यावरण में सु वो ब्राह्मिक होए पारमात्मिक होए भगवान को हो या कृष्ण की लीला को पर्यावरण में सु जो बात अपने को लेनी है वह बात को लेके और अपने को वह को अपने सेवे के अनुरूप बनाना है, जो बात नहीं लेनी है वह में सु वाकु व्यर्थ में असंभावना और विपरीत भावना तरीके सोचनो वह पर्यावरण की वो जो है वो सेवा में बाधक हो गए है। वाकु मां गीता में भगवान कहे संशय आत्मा विनश्यति। बात ध्यान से समझो कि कोई भी रास्ता पे जहां पे कार की ट्रैफिक चल रही है समझो एक भैंस खड़ी है ना तो ड्राइवर अच्छी तरह से बचा सके, क्योंकि आपको पता है कि भैंस को असंभावना विपरीत भावना नहीं हो गई। पर आदमी घड़ीक में आगे जाए घड़ीक में पीछे जाए घड़ीक में आगे जाए घड़ीक में पीछे जाए फिर ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाए कि भाई आगे जानो कि पीछे जानो, लेफ्ट में जानो कि राइट में जानो, वहां में नहीं एक्सीडेंट होते तो हो जाए। भैंस को क्यों एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ड्राइवर दूर से देख ले कि भैंस खड़ी पड़ी है। अब भैंस को असंभावना विपरीत भावना हो ही नहीं कि ये भैंस गाड़ी में को टक्कर मारेगी, मार दे तो बिचारी को दुर्भाग्य, बाकी भैंस को असंभावना विपरीत भावना नहीं हो, खड़ी है मैंने मस्ती से खड़ी है, तुमको जा बाजू से ले जानी है ले जाओ गाड़ी, यहाँ तो हम तो खड़े हुए हैं। हजरत दाग जहां बैठ गए और होंगे तेरी महफिल से उठ के जाने वाले, तो भैंस तो बैठी रहे, तुमको जा सर से लेनी है गाड़ी लो, क्योंकि तो हॉर्न बजाओ तो भी बहुत चिंता नहीं हुए, तो ड्राइवर वहां में खुद सावधानी लेके भैंस से टकरावे नहीं, क्योंकि रिस्क कौन ले भैंस से टकराने को, आदमी से क्यों टकरा जाए, क्योंकि आदमी को रोड चलते भय, आदमी को कभी संभावना हुआ कि मैं रोड क्रॉस कर जाऊंगा, कभी असंभावना कि नहीं 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 हो पाएगा ट्रक आ रही है, कभी आवे कभी जावे कभी आवे कभी जावे, वहां में ड्राइवर भी पास कंफ्यूज हो जाए, नहीं गाड़ी चढ़ती हो तो वहां पे चढ़ जाए। ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि असंभावना और विपरीत भावना को जो सिद्धांत है अपने वहां को पॉजिटिव रोल भी है और वहां को नेगेटिव रोल भी है। चाणक्य ने तो वह जमाने में ये बात कही है कि उपायांश चिंतयेत प्राज्ञ अपायांश चापि चिंतयेत। जब भी कोई तुम प्रोजेक्ट हाथ में लो तो वह प्रोजेक्ट के उपाय क्या हैं वह को तुमको चिंता करनी चाहिए, और खाली उपाय क्या हैं वह की चिंता नहीं करनी चाहिए, या प्रोजेक्ट में डिफिकल्टी क्या आएंगी वह की भी चिंता तुमको प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के पहले करनी चाहिए,
अपायांश चापि चिंतित, और फिर चाणक्य कह के उपाय अपाय विज्ञो ही नरस सिद्धि मवाप्नुयात। जाकू उपाय और अपाय दोनों को चिंतन जाने कर लियो न वाको प्रोजेक्ट सफल हो। खाली अपाय को चिंतन करते रहे कि हमें तकलीफ क्या क्या आएंगी, तो प्रोजेक्ट हाथ में ही ले नहीं सकेगा। क्यों कि एक के बाद दूसरे के बाद दूसरे अपाय आते ही चले जाएंगे कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सेवा करेंगे तो ऐसा अपराध पड़ जाएगा, सेवा करेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, सेवा करेंगे तो हमारा भक्तिभाव जो है वो ठंडो पड़ जाएगा, सेवा करेंगे तो लोग हमारे को यों कहेंगे यों कहेंगे। अपाय तो सेवा शुरू नहीं हो सके, फिर तो सेवा शुरू नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। ये बात तो कोई भी बच्चा को आप घर से बाहर मत निकालो, कोई भी जानवर को घर से बाहर मत निकालो, तो आपको रोड पे आने पे डर लगने लग जाए। रोड पे जो जाने लग जाए हैं उनको रोड को डर क्यों नहीं लगे? ट्रकें चलती हों वो रोड क्रॉस कर सकें, उनको क्यों नहीं डर लगे? पर घर से बाहर ही नहीं निकलते हुए वाकु तो रोड क्रॉस करने के पहले रोड पे जाने पे ही डर लगने लग जाते हुए। क्यों? कि सब अपाय को ही चिंतन करें ना, तो अपाय को चिंतन भी करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि उपाय को चिंतन नहीं करें, और उपाय को चिंतन भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन अपाय को चिंतन नहीं करें। सब उपाय सोच लिए और अचानक कोई अपाय आयो वाबक अपना ब्रेन ठप हो जाएगा। अब ये तो हमने सोची नहीं थी कि ऐसी तकलीफ आएगी। तो हर वक्त कोई काम जब अपन हाथ में ले हैं तो इन दोनों बातों की चिंता करनी चाहिए, क्या कि उपाय क्या हैं या कि अपाय क्या हैं। और चाणक्य बात को कह कि जो उपाय और अपाय दोनों को चिंतन करके कोई काम शुरू करे है वो नरस सिद्धि मवाप्नुयात, वाकु सिद्धि प्राप्त हो। यही लिए महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग के उपाय श्रवण शरणागति समर्पण सेवा इन सब के उपाय सोचे, अपाय भी सोचे। सेवा फल में आप देखो के भोग उद्वेग प्रतिबंधो वास्यात्तु बाधकम्, अन्याश्रय को बाधक बतायो, अविवेक को बाधक बतायो, फिर अधैर्य को बाधक बतायो, ये सब क्या है? अपाय को चिंतन। तो महाप्रभु जी ने अपने या सेवा में उपाय और अपाय दोनों को चिंतन कियो है। इतो ही नहीं, अपने को करवायो भी है चिंतन, भाई तुम भी कर लो शुरुआत से आनंद से। आंखों नवरत्न जो है ध्यान से देखो तो अपाय के चिंतन को ग्रंथ है। ये अपाय आवे तो क्या करना हो, ये अपाय आवे तो क्या करना हो, ये अपाय आवे ये तकलीफ होए तो क्या करना हो, ये तकलीफ होए तो क्या करना हो, अपाय को चिंतन महाप्रभु जी अपने को करावे। कृष्णाश्रय आखो अपाय चिंतन है, पर हर अपाय के चिंतन को महाप्रभु जी ने सम कैसे लाई है? कृष्ण एव गतिर्मम, वो उपाय चिंतन है। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मणी पाषंड प्रचुरे लोके, ये अपाय है। क्या अपाय? के सब मार्ग खत्म हो गए, कोई मार्ग चलने लायक रह नहीं रहे, और मार्ग पर चलने वाले हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मणी, टाइम भी ऐसा नहीं है कैसो सच्चाई से चलने वाले के लिए सहायक हो, टाइम भी ऐसा है कि सच्चाई से चलने वाले की पूछ खींचते हुए। तो कलौच खल धर्मणी, और जो चलने वाले हैं वो भी कैसे हैं? पाखंड से चलने वाले हैं। अब ये तो भारी अपाय हो गया ना, भारी अपाय हो गया तब तो आदमी चलेगा ही नहीं। तो महाप्रभु जी कहें कि नहीं, उपाय भी चिंतन करो, खाली अपाय चिंतन मत करो, उपाय भी चिंतन करो कि कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण मेरी गति है, ये उपाय चिंतन है। अब देखो तीन पद में अपाय और एक पद में उपाय, सारे कृष्णाश्रय को जो फॉर्मूला है महाप्रभु जी ने यहां बताया, उसको हर श्लोक में तीन पद जो हैं वो अपाय के चिंतन के हैं और एक पद जो है, अरे बंद करना, एक पद उपाय को है, पर वो उपाय को 10 बखत रिपीटेशन कियो है। ग्रंथ कैसे लगाना वाकई आपको टेक्निक समझा रहे हूँ, हर्मेन्यूटिक्स या को कहें व्याख्या शास्त्र की है, के तीन पदन में अपाय को चिंतन करके हर श्लोक के 1/4 में एक चतुर्थांश में उपाय को चिंतन किया है, पर वह उपाय को 10 बखत रिपीट किया है और अपाय को दूसरी बखत रिपीट नहीं किया।
कोई भी अपाय को 10 बखत रिपीट नहीं कियो, 1 बखत की ओर छोड़ दियो। इतनो कियो होते भय भी अपाय, 10 बखत रिपीटेड जो उपाय है वो अपने को एक तरह को ऑटो सजेशन दे है कि भाई ये 10 बखत रिपीट हो रहे हो, या पे कोई फर्मनेस है, आयो ख्याल में। या एंगल से जा बखत कृष्णाश्रय देखोगे ना, तो महाप्रभु जी कैसे मैनेज करे हैं अपने उपदेश के प्रोग्राम को, वो अपने को समझ में आवे। जो चाणक्य की नीति है कि उपाय अपाय विज्ञो ही नर सिद्धि मवापनो याद, तो महाप्रभु जी उपाय और अपाय दोनों को चिंतन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह चिंतन को वही तरह से वही स्टाइल से उपदेश भी कर रहे हैं। जासु के अपन भक्ति मार्ग की सिद्धि अपन को प्राप्त हो सके, अपन भक्ति मार्ग पे कोई की पहली थप्पड़ ना खा जाए। जो पहली थप्पड़ मारने आवे वाको हाथ मरोड़ने की ताकत अपने में आ जाए के वो थप्पड़ पड़े वाके पहले अपन वाको हाथ मरोड़ दें, ये थप्पड़ यहां चलेगी नहीं तुम्हारी, वो कॉन्फिडेंस महाप्रभु जी ने अपने को जगायो है। और या के लिए महाप्रभु जी कभी वो खुद जगावे हैं, कभी महाप्रभु जी के भाव सुभावित ठाकुर जी भी अपने को जगावे हैं। और वो ठाकुर जी ने यहाँ जगायो कि भाई यदि तू ऐसे मान रहे हो है कि वाघा पैर के अरोगनों में थाल छू जा रहे है, तो फिर खा अरोगनों कैसे, तो डरना ही नहीं चाहिए ना। अब ये क्या है, जो अपाय तुम सोच रहे हो कि ठाकुर जी वाघा पैर ने से छू जाए, और छू जाए वह बखत ठाकुर जी को अरोगनो नहीं चाहिए, तो अरोगते कैसे होंगे, तो हमें समझने की बात है। या लिए मैंने आपको बताई थी कि ठाकुर जी वाघा पैर रहे हैं अपन धरायो, या लिए ठाकुर जी अरोग भी रहे हैं तो अपन ने धरायो है, या लिए। और ये अपने ठाकुर जी के द्वारा की गई एक चैरिटी है, वह चैरिटी में अपन ये अधिकार नहीं दावा कर सके कि अब ये चैरिटी करिए तो यासु जुड़ी भाई सारी बातें तुमको पालनी पड़ेंगी। मुझको बराबर याद है भारत में 30-40 साल पहले एक बखत अनाज की कुछ कमी आ गई थी, तो अपने पास गेहूं को उत्पादन कम हो गया तो अपन ने अमेरिका से गेहूं मांगे हो, क्योंकि अमेरिका के यहाँ गेहूं को उत्पादन ज्यादा तो उनकी खपत से, तो अमेरिका ने कही अच्छा भाई हम स्टीमर भर के भिजवा देंगे। अपने यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि स्टीमर भर के तुम गेहूं भिजवा दोगे पर उतारेगा कौन, तो अमेरिका ने कही कि भाई उतार भी मैं भिजवा दू क्या तुम्हारे यहाँ कुली, तो फिर कल तुम मुझको ये कहोगे कि मेरे यहाँ फिर उनको पीसेगा कौन, तो पीसने की चक्की भी भेजवाऊं क्या। तब ख्याल आयो कि ऐसी खोटी दिमाग वाकस करनी नहीं चाहिए, गेहूं भेज रहा रहे हो है वाकू भी तो तुम मैनेज करो कि नहीं करो, कि वहां पे भी पाछे अमेरिका पे तुम कह रहे हो कि गेहूं तो तुमने स्टीमर भर के हमको भिजवा दिए, वो PL 480 के गेहूं कहवाते थे वह जमाना में। आप यंगस्टरन को नहीं ख्याल होगा पर जो बूढ़े हैं उनने शायद ये बात पढ़ी होगी कि PL 480 प्रोग्राम के तहत अमेरिकन गेहूं आते थे अपने यहाँ, और वो अमेरिकन गेहूं उनने बेचारे ने शिपमेंट करी, और अपन ने कही भाई शिपमेंट तो कर दी भाई उतारेगा कौन याकू, तो उतारने के लिए पैसे लेबर भेजना, उतारने के लिए भेजो, फिर वहां में ये भी तो समस्या आएगी कि आपको पीसेगा कौन, तो पीसने के लिए चक्की भी भेजो। नहीं करनी है, ऐसी भावनाएं नहीं करनी है कि भगवान तो अपना ठाकुर जी तो कृष्ण लीला का स्वरूप है, कृष्ण लीला का स्वरूप है तो कृष्ण तो मथुरा से जो गोकुल ब्रज से मथुरा चले गए तो लौट के आए ही नहीं, तो अपना भगवान भी कभी लौट के चले जाएगा तो आएगा नहीं,
ऐसी भावना सेवा करते वक्त क्यों कर रहे हो भाई? सेवा करते वक्त ये विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो कि वह वक्त लौट गए होगो, वो ठाकुर जो है वो कृष्ण लीला को ठाकुर है तो वो स्वतंत्र है तो। अब जैसे गोपीकांत के साथ रास करते करते थोड़ा सा गोपीकांत को अहंकार हो गया तो ठाकुर जी छुप गए। उनको तो थोड़ो सो बहुत ज्यादा प्यार है तो और थोड़ो सो अहंकार भयो, वहां में छुप गए। अपने तो ज्यादा अहंकार है और थोड़ो सो प्यार है तो अपने तो ठाकुर जी प्रकट ही नहीं होंगे। उनको तो बहुत ज्यादा प्यार है तो और थोड़ो सो अहंकार हो गया, वहां में ठाकुर जी छुप गए। तो इतना जो ठाकुर जी टची है, टची का मतलब समझे, टच मी नॉट, छुयो मत मुकुर, छू जाऊंगो। अहंकार जरा भी किया तो ठाकुर जी कहकर अरे अहंकार किया, अब मैं छू गया, मर्जा छू गई। तो वह तरीके को जो मर्जा दी ठाकुर जी होए कि अहंकार करते छू जाते होए, तो वह ठाकुर की फिर सेवा करने की जरूरत क्या है? तो खतरा है ना फिर तो, हर मर्यादी जीवन में खतरा है क्योंकि कब छू जाए अपने को पता ही नहीं चले। ऐसे अपने ठाकुर जी कब छू जाएगा अपने को पता ही नहीं चले, अहंकार कर दिया बोला रे रे अहंकार कर दिया सेवा में छू गया, मैं कुछ हो गया छू गया छू गया छू गया छू गया, हर बात में छू छू पहले हो जाए छछुंदर की तरह। तो ये एक रहस्य ध्यान से समझो कि ऐसा यदि ठाकुर मर्यादी हो तो ठाकुर जी ग्वालियर के यहां जन्म काय को लेते, न तो नंदराय जी ने मर्यादा ली थी, नहीं यशोदा जी ने मर्याद ली थी, ना कोई ग्वालियर ने मर्याद ली थी, सब बिन मर्याद दिए थे, मन मर्याद भी नहीं थे। पाचे मर्याद में तीन चार कैटेगरी हुए हो तो एक मन मर्याद हुए, एक पाकी मर्याद हुए, एक काची मर्याद हुए, तो मर्याद में भी बहुत सारी कैटेगरी हुए। तो ठाकुर जी तो मर्यादी तो होते नहीं, ठाकुर जी तो बात ध्यान से समझो कि घोर अनाचारी होते, जानवर को मार लेते और आरोग्य लेते थे, छूते ही नहीं थे। कभी धेनकासुर को मार दियो, कभी वत्सासुर को मार दियो, कभी याकु मार दियो, कभी स्नान भी नहीं करते थे और आरोग्य लेते थे। ठाकुर जी तो मर्यादित तो होते नहीं, और भीलनी इनके हाथ को खाते थे। भीलनी माने आज भी अपन भील के हाथ को नहीं खावे, ठाकुर जी ने वह वक्त भी भीलनी इनके हाथ को खाया। अपन समझ सकें कि ठाकुर जी तो मर्याद ले में नहीं है। जब ठाकुर जी ने मर्याद नहीं ली और तुम्हारे घर पधार रहे हैं तो तुम्हारो मान रखने के लिए तुम्हारी अपरस पालते हो तो वो ठाकुर जी की चैरिटी है, वो ठाकुर जी की चैरिटी है। अब वह चैरिटी में अपना अधिकार नहीं पैदा हो रहे हो कि ये चैरिटी करी तो तुमको सभी बात पालनी पड़ेगी। जैसे मैं एक बात बताऊं कि हमारे बंबई में छिवे जाने के बाद मट्टी से हाथ धो तो पनाला चौकअप हो जाए, पनाला ही चौकअप हो जाए। एक वक्त पनाला चौकअप हो गया तो फिर वह कुछ साफ करवाना महान कष्टकारी काम है, साबु से ही हाथ धोना पड़े। पर मैं एक बात की सावधानी बरतूं हूं कि हमारे घर में साबु स्वाद धो, पर कोई के घर में जहां मट्टी स्वाद धोयो जा रहे हो तो सच्चाई से फिर मट्टी स्वाद धो लो। वो क्या है, मेरी चैरिटी है, क्योंकि दूसरे के घर में गए हैं व्यर्थ में दूसरे के यहाँ की व्यवस्था को काय को बिगाड़नी, अपन गए हैं या के लिए। अब वो बिगाड़े नहीं करके वाह को पालन कर रहे हैं, वाह के लिए तुम मेरे पीछे कोई पड़ जाए कि घर में भी तुम मट्टी स्वाद धो। भाई घर में कैसे मट्टी स्वाद धोएंगे? लंदन में बालक पधारे, दे मट्टी से हाथ धो धो के सारी पाइप चौकअप हो गई, और वहां तो अपने तो ये सब मिल जाए पाछे प्लम्बर, वहां तो प्लम्बर भी मिले नहीं, तो आखो घर खुदवाना पड़े उनको। और वैष्णव ने विनती कर दी कि महाराज कृपानाथ हवे आप पधारो तो भले पधारो, पर हमारे त्या नहीं बिराजता, पाइप चौकअप हो जाए तो क्या करे। हमें दादाजी लोनावला पधारे, बराबर याद है, मैं छोटा होता तब तो जा बंगला में रुके थे, बहुत अच्छा बंगला था,
और भीतरयान को मत मुफ्त को घी आ गया हाथ में, आज सामग्री तलें बचे हुए घी पनाला में, आज सामग्री तलें बचे हुए घी पनाला में, वो सारी ड्रेनेज चौकअप हो गई, घी जमा हो गया क्योंकि ठंडक रहे ना वहां पानी जतु के हम नहीं बोले जाए क्या थी बधु घी जामेलू छे पाइप में आटलू बधु घी गयु केवी रीते दादाजी इतनी जोर से त्राटके नरसिंह जी की तरह हम लोग भी सब थर थर कांप गए कि क्या घोटाला भयो। और वो जो भीतरिया होता तो वो तो बारी में से कूद के बंबई भाग गयो इतनी जोर से दादाजी ने हल्ला मचायो। एक तो दूसरे के बंगला में अपन जा कर रहे हैं और बचे भयो घी, भाई घी तो तुम सिगड़ी पैसे उतरे होते तो ना पिघले भयो है ना, बचे भयो घी तुम पनाला में डाल रहे हो। तो पनाला वो पुराने जमाना के पनाला ऐसे होते थे कि हमें सब चीज बह जाती थी, नए जमाना के पनाला ऐसे हुए ही नहीं है। वो तुम कहो कि मर जा के लिए घी सब ढोलते रहो, तो भाई वो पुराने जमाना में ढोले जा सकते, तो आज के जमाना में ढोले नहीं जा सके। वह रहस्य को समझे ठाकुर जी वैसे मर्यादी नहीं है, ठाकुर जी बहुत समझदार मर्यादी है, मन मर्यादी भी नहीं है, ठाकुर जी बहुत समझदार मर्यादी है कि जाके यहाँ मर्यादा है वाके यहाँ मर्याद पाले, जाके यहाँ मन मर्यादा है वाके यहाँ मन मर्याद पाले, जाके यहाँ बिन मर्यादा है वाके यहाँ बिन मर्याद पाले, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। पर अपन क्या करें कि मर्यादी को ठाकुर बिन मर्यादी के ठाकुर से छू जाते हुए, अच्छा ठाकुर कैसे छू गए हो, मर्यादी को ठाकुर जो है वो बिन मर्यादी के ठाकुर के पास अरोग नहीं सके, और मर्यादी को भी ठाकुर पास है गोस्वामी के ठाकुर के पास अरोग नहीं सके, क्योंकि गोस्वामी के ठाकुर को पावर कुछ और वोल्टेज ज्यादा हुए। वो गोस्वामी को ठाकुर भी पाछे निधि के ठाकुर के पास अरोग नहीं सके, क्योंकि निधि को वोल्टेज थोड़ा और ज्यादा हुआ है। वो निधि को ठाकुर भी पाछे गुसाई जी महाप्रभु जी को निधि को ठाकुर भी सात स्वरूप के साथ अरोग नहीं सके, नहीं तो सात स्वरूप छू जाए बाकी मर जाते। या तरीके को ठाकुर जी में भेद करनो ये तो लौकिक भाव है, ये तो लौकिक भाव है। मर्याद पालनो के मर्याद नहीं पालने के कारण अपन शुद्ध या अशुद्ध हो सके है, अपन की छुआछूत जो है वहां को कोई तो फिर भी जस्टिफिकेशन है, पर ठाकुर जी कैसे छू जाएगो। मैं हर वक्त एक बात कहूं कि ठाकुर जी के पास अपन बंदर रखे हैं, ठाकुर जी के पास अपन घोड़ा रखे हैं, ठाकुर जी के पास अपन हाथी रखे हैं, वो भी तो पुष्ट किए भय नहीं है, वो रह सके ठाकुर जी के पास पुष्ट की, और ठाकुर जी भी मर्यादी को ठाकुर जी के पास बिन मर्याद ठाकुर जी तो बिन मर्यादी को ठाकुर छू जाए, और मर्यादी के ठाकुर सु हम गोस्वामी को ठाकुर छू जाए, और गोस्वामी के ठाकुर सु पाछो निधि को ठाकुर छू जाए। थी क्या छुआ छूत है ये, ये कौन के साथ अपन कौन को इतना ऊंचो नीचो कर रहे हैं, जाको अपन पुरुषोत्तम कह रहे हैं वा के साथ या तरीके को खिलवाड़ करना ये असंभावना और विपरीत भावना नहीं है, तो क्या है। या तो तुम ये कबूल करो कि पुरुषोत्तम सिर्फ एक ही ठिकाने हैं, ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, सिर्फ सुना जी पुरुषोत्तम है बाकी सब अलल टप्पू हैं, तो बात समझ में आ सके भाई, ला इला इल्लल्लाह अल्लाह एक ही है और वको मोहम्मद एक तिलकायत महाराज रसूल है और कोई रसूल नहीं है, तब तो ठीक बात है, समझ में आ जाएगी बात की भाई दूसरे के सबके ठाकुर जी जो है वो अल्लाह नहीं है शैतान है, तो बात समझ में आ गई। पर जब तुम कह रहे हो कि जब महाप्रभु जी ने अपने ठाकुर जी सबको मेरो सर्वस्व कह के पधराए हो, तो जैसे उनने अपने ठाकुर जी को सर्वस्व मान्यो ऐसे वैष्णव के ठाकुर जी को भी सर्वस्व मान्यो। आज बालक हम लोग नहीं कह रहे हैं ये बात, पर एक्चुअली हम महाप्रभु जी के प्रतिनिधि हों तो वैष्णव को पधराते वक्त ठाकुर जी को हमको भी भले मन में भाव होए के नहीं, पर ये मंत्र तो दोहराना चाहिए कि भाई ये मेरा सर्वस्व है और ये मैं तुमको पधरा रहे हूँ, इनको तुम अपना सर्वस्व करके मानियो। अब अपनी अपन कन्या देवे तो वातरस देवे कि नहीं वर को, भाई ये मेरा
प्राण का टुकड़ा है और मैं अपना प्राण का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में सौंप रहे हूँ, तो वाह तुम संभाल के रखे। अपनी कन्या को अपन ऐसे देवे तो अपने ठाकुर के प्रति इतनी अपने को नहीं ममता रखनी चाहिए, जाको अपन ने पुष्ट किया है अपने को रखनी चाहिए। तो ये बात ध्यान से समझने की है। पर अपन वो कहवे तो प्रॉब्लम क्या हो जाए कि वैष्णव को वाकई ठाकुर जी में सर्वस्व होने को भावना जग गयो, फिर हवेली में बस बदमाश आएगा नहीं, क्योंकि मेरो ठाकुर सर्वस्व मेरो तो हवेली में काय को जाऊं, वो डर लगे करके ये बात वैष्णव को हम लोगों को कहने में पाछो डर लगे। वाकई हम लोग क्या करें कि तुम्हारे ठाकुर से हमारा ठाकुर बड़ो, भले तुम मर्जात पालते हो। और टेक्निकली तो देखो पुष्टि मार्ग की कैसी है, ये जो जगन्नाथ जोशी की वार्ता है वहां में कहो भयो सिद्धांत आज भी कितना अपने पे लागू करने के जैसो है और कितना वहां में अपने को इंसाइट दे रहे हो सेवा सेवक और सेवक के बारे में। वाक मैं आपको बता रहे हूँ कि आज भी ये वार्ता से यदि अपने को कोई भी कोई सिद्धांत समझना है तो ये बात समझना है, तो भाई जा वक्त अपन ठाकुर जी की सेवा पधरा रहे कोई को वह वक्त पुरुषोत्तम कह के पधरा रहे कि नहीं पधरा रहे, नहीं पधरा रहे तो तुम अन्याश्रय करवा रहे हो। यदि तुम पुरुषोत्तम कह के नहीं पधरा रहे हो तो तुम अन्याश्रय करवा रहे हो, यदि पुरुषोत्तम कह के पधरा रहे हो तो पुरुषोत्तम समझो अपरस नहीं पालते हुए। देखो ध्यान से समझिए मेरी बात को, तो कुछ समझ में नहीं आवे तो भी ध्यान से समझ, नींद आती है तो सो जाइए वहां में मुझको ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ध्यान से समझिए बात को के जब अपन ठाकुर जी को पुरुषोत्तम कह के पधरा रहे हैं वह बखत समझो कि कोई ठाकुर जी अपरस नहीं पाल रहे है, वो खुद के कारण तो पालने को आपको प्राप्ति नहीं है। ठाकुर जी कोई अपरस नहीं पाल रहे तो कौन के कारण के जाके माथे पधराए हो है वो अपरस नहीं पाल रहे है, वो पालते होते तो ठाकुर जी भी पालते होते। जाओ मन मर्जा दी है वाको ठाकुर जी मर्जात की अपरस पाल रहे हो कि नहीं, जो मन मर्जा दिया है वाको ठाकुर जी मन मर्जात की अपरस पाल रहे हो कि नहीं, जो बिन मर्जा दिया है वाकी बिन मर्जात की अपरस पाल रहे हो कि नहीं, जो महाराज है वाको महाराज की अपरस ठाकुर जी पाल रहे हो कि नहीं। ठाकुर जी तो बेचारो जो तुम अपरस पाल रहे हो तुम्हारे घर में आके चैरिटी कर रहे हो खुद की कि भाई जो तरह से तुम अपरस पाल रहे हो उतनी अपरस मैं भी पालूंगा, तुम्हारे घर में आए हो ना, वाको गुना तो नहीं है ना ठाकुर जी को, दंड कौन को दिया जा रहा है ठाकुर को, ये बिन मर्जात को ठाकुर है ना, मर्जात के पास नहीं बिरा सके मन मर्जात के पास नहीं बिरा सके, मन मर्जात को ठाकुर मर्जादी के पास बिराज नहीं सके और मर्जादी को ठाकुर महाराज के ठाकुर के पास बिराज नहीं सके, दंड कौन को दे रहे हो ठाकुर को दे रहे हो। यदि या तरह से ठाकुर को दंड दे रहे हो तो पाछे एक प्रश्न उठेगो कि ये ठाकुर जिनको मर्जादी बिन मर्जादी महाराजी अपरस विविध प्रकार की अपरस है जो ठाकुर है पाल रहे हैं सेवा के, वो अपरस कृष्ण ने पाली थी कृष्ण लीला में, लीला पढ़ के देख लो सबकी झूठन खाते थे, जिन नहीं चाके सुन मेरे भैया मेरी अंगुरिया चाट, सबकी झूठन खाते थे सब कुछ अनाचार करते थे। मैंने वहां तक आवे के यशोदा जी के रसोई बनाने के चौका में ठाकुर जी टुर्री मारिया थे, ये तो अपरस को सत्यानाश हो गया ना, वो बिचारी यशोदा जी सामग्री सिद्ध कर रहे हैं और वहां जाकर उन्हें टुर्री मार दी तुरंत, तो घोर अनाचारी है ना ठाकुर जी। अब वो ठाकुर जी यदि अनाचारी है तो अपने ठाकुर को कृष्ण कैसे मानना, टेक्निकल बात समझ में आई, यदि तुम अपने ठाकुर जी को कृष्ण मान रहे हो तो ठाकुर जी भी अनाचारी हो जाएगा, और तुम कह रहे हो कि मेरो ठाकुर तो मर्जादी है मेरो ठाकुर तो महाराज ही अपरस को पालने वाला है, तो होए तो वो कृष्ण तो नहीं हो सके ना, तो कृष्ण तो अपरस पाल तो नहीं, तो इतनी कृष्ण तो इतनी अपरस पाल तो ही नहीं, तो पता नहीं हाथ खासा करते होंगे कि नहीं छाक रोकने के पहले, हाथ खासा करते हो ऐसे तो कोई सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा।
एक खासा करने की बात सुनको, मेरे काका जी का प्रसंग याद आ गया उज्जैन को, आपको सबको आनंद आ जाएगा, नींद